जो मुसलमानों के विरोध में बात कर रहे हैं आप उसकी वाहवाही करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, जब बात सच्चाई पे आ जाए तो शर्म आनी चाहिए, जब हिंदुओं को मारने की बात हो तो शर्म आनी चाहिए। आप मोदी और वहाँ के वीडियो देख रहे हैं। हमारे इसमें जो हो रहा है ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है, ये निंदनीय है। और सर, ये पत्थर मारने वाले लोग ये पत्थर ला कहाँ से रहे हैं? क्या ये प्री प्लान था? अगर ये प्री प्लान था तो किसने किया और क्यों किया? सर, आप देख रहे होंगे जिन्होंने वहाँ पे भाषण दिया वो पूर्वी कांग्रेसी विधायक रह चुके हैं। सर, ये ट्रेनिंग लेके आए हैं वहाँ से, ये आज एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सर, आम आदमी पार्टी भी सोच रही है कि देश में जो इकट्ठा वोटिंग करने वाला कोई कम्युनिटी है, हम सबको बताइए कौन सी कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी के वोट बैंक को भी अपने पास करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बड़ा पहल इनकी और बढ़ाया इन्होंने, हम चाहते हैं कि लोगों को समझ में आए और केजरीवाल से सावधान। केजरीवाल जी की एक मंत्री है जो अनशन कर रही है 10-11 दिनों से, उस पर कोई हमला नहीं हुआ भाई, हमला इन पर ही क्यों हो रहा है? इन्होंने करवाया है सर, मैं तो बोल रहा हूँ। ये चाह रहे थे कि पुलिस उनके पास आ जाए, ये पुलिस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ऐसे लोगों पे आरोप लगा के पुलिस को दामी कर रहे हैं ताकि दागी करने के बाद में इनको कंट्रोल कर पाएं। तो सर, मेरा रिक्वेस्ट है हर किसी से जो देख रहा है ये, कि इन लोगों में ना फंसें, जात पात के धर्म बात में नहीं आए, और कोई हिंदुओं के अगेंस्ट नारा ना लगाए, ना कोई मुसलमान के अगेंस्ट नारा लगाए, क्योंकि सर देश सबका ही है जो अभी रह रहा है, हमारा देश सेकुलर देश ही है। लेकिन भाई कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे अगर कोई धर्म के ऊपर कोई उंगली उठा के बात करता है तो। सर, जिस तरह से पुलिस का नाम सामने आ रहा है कि पुलिस बस को जला रही थी, कैसे देखते हैं इसको? लेकिन इसका खंडन इंडिया टीवी ने किया है कि वो बस जली नहीं है, वो बुझाया जा रहा है, लेकिन फिर भी मनीष सिसोदिया उसको ट्वीट करते हैं कि ये दिल्ली पुलिस कर रही है कारनामा। सर, जिसने इस वीडियो को ट्वीट किया था उस व्यक्ति के साथ मैंने काम किया हुआ है। इंडिया के करप्शन करके हमारा ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जब हम जन लोकपाल के लिए लड़ते थे, मुझे पता है ये व्यक्ति कैसे हैं, क्या है। इन्होंने उस अनशन को पीछे लेकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी शुरू की थी, इनका मूल आधार ही झुका हुआ था। ये वो लोगों में से हैं जो देश को तोड़ने के जुलरा, जो लोगों का रुख होता है, लोगों को उकसा दे दिया पहले 1943 में, जैसे गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट किया था उसी तरह इन्होंने किया, देश को धोखा दिया, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई, अब राज कर रहे हैं ये लोग। सर, उनके ट्वीट पे आप जो देख रहे हैं ना सर जी, ये पुलिसों को गाली दे रहे हैं, उनको बोलिए कि भाई पुलिस वाले की जो सिक्योरिटी आपके पास लगी हुई है निकाल लो और जी के दिखाओ दिल्ली में। सर, इन्हीं के बदौलत ये खुशी से जी रहे हैं, आज उन्हें भी ब्लेम कर रहे हैं। ये लोग वो लोग हैं, ये बोलते ना अवसरवादी लोग हैं, ये लोगों पर टिप्पणी करके रोटी कमा रहे हैं अपनी। सर, जिस तरह से अमानतुल्ला खान का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हिंदुओं के खिलाफ भड़काया जा रहा, क्या यही पॉलिटिक्स अब देश के अंदर होगी? सर देखिए, सर हमारे देश में राजनीति में लोग जमीन से आते हैं, जमीन में लॉयर है, राजनीति में लॉयर है, जमीन में डॉक्टर है, राजनीति में डॉक्टर है, जमीन में जो होता है वो ऊपर होता है, उसी तरह जमीन में गद्दार है, राजनीति में भी गद्दार है। तो मैं चाहता हूँ सर, ऐसे गद्दारों को आप साफ करें, राजनीति से भी, जमीन से भी, और जो भी है देश के अगेंस्ट में पत्थर उठा रहा है, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उनको मुंह तोड़ जवाब दे, उनको बताए कि आज के बाद कोई दिख जाए ऐसे। मैं तो बोल रहा हूँ पहले पीटो सालों को, पता है क्योंकि क्योंकि ये लोग देश के नागरिक नहीं है, ये बाहर से आए विद्रोही लोग हैं जो देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको सपोर्ट करने वाले जो भी गद्दार नेता हैं जो अपने वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, हर किसी बख्शेंगे इनको हम, उसको फांसी दो। ऐसे देखते हैं सर इस प्रोटेस्ट को? सर बिल्कुल ही गलत हो रहा है। सर मैं मानता हूँ कि दिल्ली पुलिस ने जो भी किया वो बिल्कुल सही किया, मैं दिल्ली पुलिस को सपोर्ट करता हूँ। सबसे पहले तो सर इन लोगों को बिल्कुल भी वायलेंट प्रोटेस्ट करने नहीं चाहिए था, इन लोगों ने सर धारा 144 लगी थी, उसके बाद भी वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होने की कोशिश करी, जिस वजह से दिल्ली पुलिस ने इनको वापस बैकवर्ड पुश किया इनकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। उसके बाद सर उसमें जो भी आंसू गैस यूज़ करी गई है तो सर उसको लेकर ये लोग रो रहे हैं बाद में। सबसे पहले मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि लोग इतनी बड़ी संख्या में बाहर निकले ही क्यों? उसके बाद इन्होंने दिल्ली पुलिस के साथ पत्थरबाजी करी है, जिससे कई सारे हमारे इंस्पेक्टर्स, कई सारे हमारे जो पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं वो सारे अस्पतालों में आईसीयू में भर्ती हैं, जिससे उनकी भी सर फैमिलीज हैं, उनके साथ भी कैजुअलिटीज हुई। मैं सर यही कहना चाहूँगा कि जैसे इन्होंने बसेस, 3 बसेस को आग लगा दी है, उसके बाद सर कोई आपके वो हैं वो ट्वीट करते हैं कि आप कि दिल्ली पुलिस ने ही खुद ही जला दिया, और एक फोटो देते सर, उस फोटो में देख सकते हैं कि क्लियरली दिल्ली पुलिस सर आग को बुझाने की कोशिश कर रही है या फिर उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कहीं से भी ऐसा प्रूफ नहीं मिलता कि दिल्ली पुलिस ने कोई ऐसा वायलेंस क्रिएट किया होगा। सर जिस तरह से वहाँ पर पत्थर लाए गए, इतना पॉश एरिया था, वहाँ पत्थर आए तो आए कैसे? सबसे बड़ा सवाल यही। सर मैं तो ये कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप थोड़ा सा और अंदर डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे तो शायद तलवार और बड़े बड़े चाकू भी मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। सर वो एरिया ही टोटल ऐसा है जो यूनिवर्सिटी मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो उतारने के पीछे बवाल काट सकती है, या अपनी यूनिवर्सिटी के ऊपर से मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो नहीं निकालेंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए वहाँ पे बवाल जरूर काटेंगे। JNU जो हर एक बात पर टुकड़े टुकड़े गैंग उनकी आगे आ जाती है, रोज देश को गाली देती है,
अय्या कुमार और शैला रायसी जैसे मास्टर पीस वहाँ से निकलते हैं, तो सर ऐसी यूनिवर्सिटी साहब एक्सपर्ट भी क्या कर सकते हैं? पत्थर आएंगे, तलवार आएगी, गोली आएगी, यही सब निकलेगा सर। 60 साल तक इन लोगों को वहाँ पे बैठे रहना है, 10 रुपये दे करके हॉस्टल के अंदर चिपक के बैठना है, वाईफाई सारी सर्विसेज का यूज़ करना है, और फिर उसके बाद देश को ही गाली देनी है, देश के पैसों से वहाँ पे ऐश करना है। पार्टी लेफ्ट मिलके जो दंगाई कर रहे हैं, आज तो गृह मंत्रालय ने साफ कह दिया जो भी आग जलाने का काम करेगा दंगाइयों को ठोको गोली, और यही विचार रखना होगा यदि यहाँ पे भी दंगा भड़का रहे हैं तो उनको गोली मारो, गोली से जवाब देना होगा। और अभी अभी प्रियंका वाड्रा इंडिया गेट पे 2 मिनट पहले ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, 2 मिनट पहले 1984 सिख दंगे का आरोपी जगदीश टाइकलर का साथ बैठे हुए हैं, और साफ दिखाई जाता है जो कांग्रेस पार्टी दंगाइयों के साथ है। नहीं घटना है इसका जो आम आदमी पार्टी का विधायक है मानतुल्ला खां, इसको मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने सोची समझी रणनीति के तहत इसको वहां भेजा कि तुम जाओ अल्पसंख्यकों को उकसाओ और दिल्ली में जो शांति व्यवस्था है उसको भंग करो, क्योंकि इस समय जो भारत सरकार ने कदम उठाए हैं देश हित में कुछ कदम उठाए हैं, देश उसकी सराहना कर रही है और जनता का मत जो है और वर्तमान सरकार की ओर जा रहा है। लिहाजा आम आदमी पार्टी के विधायक ने वहाँ पर अपने क्षेत्र में जा करके लोगों को भड़का करके सरकारी बस में आग लगवा दी और वहाँ पर जो यात्री थे उनको पिटवाया, छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर पत्थर लगे हैं, मैंने सोशल मीडिया में एक 5-6 साल बच्ची की आंख पे फूटी हुई देखा, उसके खून बह रहा था। ये बहुत ही निंदनीय घटना है, शर्मनाक घटना है, विरोध प्रदर्शन करने का सभी का अधिकार है, लेकिन इस तरह से हिंसात्मक विरोध करने का हमारा संविधान कतई इजाजत नहीं देता है। मैं अपनी तरफ से और अपनी जनरक्षा पार्टी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस अमानतुल्लाह खां के ऊपर नासा आशा उपासना जितनी भी धाराएं हो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर इसको तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जाए और इसको आतंकवादी घोषित किया जाए, क्योंकि बस जलाना, लोगों को प्रताड़ित करना और जिंदा जलाने का प्रयास करना ये आतंकवादी गतिविधियों में आता है। अमानतुल्लाह खां की संपत्ति की जाँच की जाए, इसके संबंधों की जाँच की जाए, कहीं इसके संबंध ISI से तो नहीं है, मैं इसकी मांग करता हूँ। सर जिस तरह से जामिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, बसों को जला दिया जाता है, उसमें यात्री भी थे, कैसे देखते हैं? देखिए जो आग लग रही है ना, ये मानसिक आग है, ये मानसिक आग है और बदले की आग है, ये इंसानियत की आग नहीं है। अगर किसी के फैसले के लिए या समझौते के लिए आग लगाई जाए तो अच्छी बात है, ये बदले की आग है। देश के माहौल को बिगाड़ना और देश की संस्कृति को खराब करना, और देश के ऐसे आज ये इसमें लगी है, हर स्टेट में लग रही है, मानसिक आग। एक तो जीती जागती आग है, एक मानसिक आग है। मेरे भाई जब तक मानसिक आग नहीं खत्म होगी तब तक ये जीती जागती आग लगती रहेगी। सबसे बड़ी बात है मानसिक आग खत्म होनी चाहिए। मैम जिस तरह से जामिया के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, बसों में आग लगाई जा रही, पत्थरबाजी की जा रही है, क्या यही शिक्षा लेने के लिए वो लोग वहाँ पर गए हैं? देखिए ये सवाल को दूसरी तरफ ले जाने वाली बात है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल ये है कि बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार क्यों नहीं है? वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ है क्यों हुआ है? DU में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, JNE में भी प्रोटेस्ट हो रहा है। आप ये देखें कि सवाल को दूसरी तरफ ले जाने का तरीका है। एजुकेशन पे बात नहीं हो, नौकरी पे बात नहीं हो, भुखमरी पे बात नहीं हो, देश में रेप हो रहे हैं उस पर बात नहीं हो, लेकिन भुखमरी के लिए प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, ये कैब के विरोध में हो रहा है। क्यों? आप सवाल मत बोलिए। रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी और शाह की जो राजनीति है वो देश को बांटने की है, हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति है। और आप गोदी मीडिया के होते हुए भी मुसलमानों के विरोध में यहाँ पर आकर के बात कर रहे हैं, जो मुसलमानों के विरोध में बात कर रहे हैं आप उसकी वाहवाही करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, जब बात सच्चाई पे आ जाए तो शर्म आनी चाहिए, जब हिंदुओं को मारने की बात हो तो शर्म आनी चाहिए। आप मोदी और वहाँ के वीडियो देख रहे हैं, कैसे कैसे वीडियो आ रहे हैं? जब देश आजाद हुआ था कांग्रेस पार्टी का, जब 70 साल के बाद भी अभी आप लगाओ जवाहरलाल नेहरू ये सारा काम झंडा है, तो 370 ये आप बताओगे श्रीनगर के अंदर में, मैं 3 साल पोस्टिंग करके आया हूँ, वहाँ पे कितने फौजी मर गए हैं, समझ रहे हो? आपको सर कैब पे आइए, कैब पे आज मुद्दा है हमारा। अरे कैब का देखो ये चुनावी स्टंट है, देखो किसी की नाव डूबती है ना तो स्टंट आदमी करता रहता है। अब ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का मामला आप ले लो, वहाँ पे आतंकवादियों का अड्डा है, ये आप समझो। लेकिन क्या है कि जब जो आदमी हिंदुस्तान के बारे में ये कहेगा कि भाई हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ये पाकिस्तान जिंदाबाद, उसको हर आदमी हिंदुस्तान का सजा देगा, सबसे पहले तो मैं उसको है ना सजा दूंगा।
क्योंकि जिस आदमी ने हिंदुस्तान की रोटी खाई है, सारा कुछ है, यहाँ पे रह रहा है, उसके बाद में क्या है? वहाँ पे आप जाओ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे यही चीज़ है, सस्ते रूम हैं, पढ़ाई सस्ती है, वहाँ पे एक अड्डा बना लिया है लोगों ने, और वो सारा कांग्रेस का ही दिखावा सारा कुछ है। आज के टाइम में कुछ भी हो रहा है, कोई जो भी किसी भी पार्टी के लिए, हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं करते, हर पार्टी सिर्फ अपनी राजनीति मसलों के लिए ही जनता को बेवकूफ़ बना रही है, और किसी को जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। हर आदमी देखिए, अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के नज़दीक आते ही सारी जो है ना इनके राजनीति मार्केट में ना एकदम गर्म हो जाती है, राजनीति की मार्केट जो है, और उल्टे सीधे इधर उधर के किसी को कुछ मतलब नहीं है। आज ये बताओ, नेहरू का या गोडसे का, इन चीज़ों को उठाने का मुद्दा उठाने की ज़रूरत क्या है? आज हम देश को अपने आगे लेके जाना है तो आगे के बारे में सोचें ना, पीछे हमने क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया उससे क्या लेना देना है? हमने पीछे बहुत गलतियां की होंगी, मैं कहता हूं मैंने बहुत पाप किए, लेकिन आज तो मुझे गंगा नहाना है, आज मुझे पाप धोने हैं। ज़रूरी थोड़ी है कि मैं इनको भी समझाऊं और उनको भी समझाऊं, या वो मेरे अंदर कमी निकालें और फिर हम आपस में लड़ें। जो लड़ाइयां पीछे छूट सीएबी के लिए मैं किसी के पर्टिकुलर किसी मुद्दे पे नहीं बोलना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ एक आज की राजनीति के ऊपर बोलना चाह रहा हूँ कि आज आप बात कीजिए, आप देश को आगे कैसे ले जाएंगे, ना कि हम पीछे कैसे खींचेंगे उसको।